जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका स्वागत। और आज हम आपको इस वीडियो में फ्रिज में रखे आटे से कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो कि आपने कभी पहले ना तो सुने होंगे ना ही देखे होंगे। दोस्तों, फ्रिज में रखा आटा भूत प्रेतों को भी बुलाता है, क्या आपने कभी ऐसा सुना है? नहीं सुना ना? तो इस वीडियो में जानिए यह कैसे होता है और किस प्रकार होता है। अगर आप फ्रिज में आटा रखते हैं तो मृतात्मा आपके घर में आ सकती है। फ्रिज में गुता हुआ आटा आपका समय तो बचा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके घर में भूत प्रेत को निमंत्रित भी करता है? फ्रिज में गुता हुआ आटा उस पिंड के समान माना जाता है जो पिंड मृत्यु के बाद मृत आत्मा के लिए रखे जाते हैं। दोस्तों, घर में गुता हुआ आटा फ्रिज में रखने की वृत्ति बन जाती है, तब भूत इस पिंड का भक्षण करने के लिए घर में आने शुरू भी हो जाते हैं, जो मृत्यु के बाद पिंड पाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे भूत और प्रेत फ्रिज में रखे इस पिंड से तृप्ति पाने का उपक्रम भी करते हैं। जिन परिवारों में भी इस प्रकार की आदत है, वहां किसी न किसी प्रकार के अनिष्ट रोग, शोक और क्रोध तथा आलस्य का डेरा भी होता ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि वासी भोजन भूत भोजन होता है, और इसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति जीवन में रोग और परेशानियों से भी घिरा रहता है। वासी भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही रात के समय फ्रिज में या किसी भी अन्य स्थान पर गुता हुआ शेष जो बचा हुआ आटा रहता है उसे नहीं रखना चाहिए। जो हमारी माताएं बहनें सोचती है ना रात को श्याम के टाइम कि जो आटा बच गया है उसे अभी फ्रिज में या कहीं रख देते हैं और सुबह इसका भोजन बना लिया जाएगा, और बड़े हिजावत से अच्छे तरीके से इसे रख देते हैं ताकि यह खराब ना हो। लेकिन मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूं कि आप इस तरह आटा गुता हुआ ना रखें। जो भी शेष आटा बचता है उसकी उसी समय रोटियां बना लें तो यह बहुत ही शुभ माना जाएगा और यह भूतों को नहीं बुलाएगा आपके घर में। हालांकि आपको भूत प्रेत तो नहीं देखेंगे, लेकिन भूत प्रेत से बड़ी बीमारियां, आलस्य, कई तरह के रोग और परेशानियां जरूर दिखाई देगी। यदि आप इस तरह की परेशानियों से बचना चाहते हैं तो अपने फ्रिज में या किसी भी अन्य स्थान पर शाम के समय गुता हुआ आटा ना रखें। तो दोस्तों, इस तरह गुता हुआ आटा भूत प्रेत को बुलाता है। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा समाधान फ्लैश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हम आप तक इसी तरह की और भी जानकारियां आसानी से पहुंचा सके। और आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अब इसी तरह की और भी जानकारी लेकर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।